आज प्रस्तुत है गहत की दाल। इंग्लिश में इसे हॉर्स ग्रैम कहा जाता है। इसे गोहत की दाल, कुलत की दाल, कुलथी, खरथी, गराहट, हुलगा, कुलित आदि क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, कृपया कमेंट करके बताएं। भले ही गहत की दाल अरहर, मूंग, चना आदि दालों जितनी लोकप्रिय ना हो, पर यदि पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो इसके गुण चमत्कारी प्रभाव वाले हैं। सारी दालों की तुलना में इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। उच्च शक्ति वर्धक होने के कारण घोड़ों के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। गहत की दाल के पाउडर का उपयोग आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, मूत्र समस्याओं, पीलिया, पेप्टिक अल्सर, पाइल्स और यहाँ तक कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के इलाज में किया जाता है। यह कफ निकालने और बुखार को नियंत्रित करने में भी लाभकारी है। इसका उपयोग ल्यूकोडर्मा जैसे त्वचा के विकारों के इलाज में किया जाता है। गहत की दाल में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो कि एक फैट बर्नर की तरह काम करते हैं। यह LDL कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि गहत की दाल के बीज शरीर में एकत्रित फैटी टिश्यूज पर सीधे अटैक करते हैं। यह शरीर की चर्बी को पिघलाने के लिए अनुकूल हैं और हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप में रखते हैं। गहत में उपस्थित कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और अमीनो एसिड पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं। गहत की दाल का सबसे अधिक लाभ गुर्दे की पथरी के उपचार में देखा गया है। शरीर में कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टलाइजेशन के कारण गुर्दे में पथरी यानी कि किडनी स्टोन की समस्या हो जाती है। गहत की दाल के बीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण इस सॉल्ट के सख्त होने की प्रक्रिया को रोकने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे अनेक लाभों से भरपूर होती है यह गहत की दाल। आज की इस प्रस्तुति में हम उत्तराखंड के गांव से लाई गई गहत की दाल को एक नए तरीके से बनाएंगे, ताकि इसके स्वाद में थोड़ी वृद्धि कर हम एक उच्च आहार का सेवन कर सकें। तो चलिए बनाते हैं गहत की दाल। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रेवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ समय पहले मैंने अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव पेपरसली को विजिट किया था, जहां मैंने चूल्हे की आग में एक प्रसिद्ध क्षेत्रीय व्यंजन भट के डुबके बनाना सीखा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया कमेंट करके बताएं यह ब्लॉग आपको कैसा लगा। यह 125 ग्राम यानी आधा कप गहत की दाल है। इसे हमने रात भर पानी में भिगोकर रखा है। पकाते समय हम इसका पानी भी उपयोग करेंगे, क्योंकि यह अत्यंत लाभदायक होता है। यह 50 ग्राम मसूर की दाल है। इसे भी हमने पानी में भिगोकर रखा है। यह एक बड़े आकार का टमाटर है। इसे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में गहत की दाल को पानी सहित पलट लेते हैं। इसमें और अतिरिक्त पानी डालते हैं। आप अपने अंदाज से भीगी दाल से 3 गुना पानी डाल दें, क्योंकि यह दाल पकने में समय लेती है। इसमें कटा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार नमक डालते हैं। स्वादानुसार कुटी हुई लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। 2 चुटकी हींग डालते हैं। 1 टीस्पून सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। अब सबको मिला देते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे मध्यम आंच पर लगभग 20 से 25 मिनट प्रेशर कुक करते हैं। वैसे दाल का शीघ्र और विलंब से पकना दाल की गुणवत्ता और पानी के मीठेपन पर निर्भर करता है, तो आप सुनिश्चित कर दाल को इतना पका लें कि इसके दाने मसले जा सकें।
दाल आवश्यकता अनुसार पक चुकी है। अब इसमें भिगोई गई मसूर की दाल सम्मिलित करते हैं। एक बार मिलाते हैं। यदि आवश्यक हो तो थोड़ा पानी सम्मिलित करते हैं और पुनः प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटियां मध्यम आंच पर देकर इसे पका लेते हैं। हमने दोनों दाल एक साथ इसलिए नहीं पकाई क्योंकि दोनों दालों की पकने की प्रवृत्ति एकदम विपरीत है। गहत की दाल पकने में अत्यधिक समय लेती है और मसूर की गुलाबी दाल अत्यंत शीघ्र पकती है। दोनों दालों को एक साथ देर तक पकाने पर मसूर की दाल पेस्ट की तरह प्रेशर कुकर की तली पर चिपक कर जल जाती और ऊपर की सतह पर गहत की दाल पानी सहित तैरती रहती। हमारी दाल अब पक चुकी है। वैसे मसूर की दाल हमने गहत में इसलिए सम्मिलित की ताकि दाल गाढ़ेपन में समान रहे और स्वादिष्ट लगे। अब एक खल मूसर में एक छोटा टुकड़ा अदरक, 3 से 4 बड़े आकार की लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्चें लेते हैं। लहसुन यदि छोटा हो तो अधिक कलियां ले लें। अब इन सबको कूट लेते हैं। बहुत अधिक महीन कूटने की आवश्यकता नहीं है, बस दरदरा कूट लेते हैं। यह 2 छोटे आकार की प्याज हैं, इन्हें फांकियों में काट लेते हैं। अब एक लोहे की कढ़ाई में एक करछी देसी घी गर्म करते हैं। आप चाहें तो घी के स्थान पर वनस्पति तेल अथवा जैतून का तेल भी ले सकते हैं। गर्म तेल में 1 टीस्पून जीरा सम्मिलित करते हैं। थोड़ा भूनने के उपरांत प्याज की फांकियां सम्मिलित करते हैं। इन्हें मध्यम आंच पर भूनकर थोड़ा पारदर्शी कर लेते हैं। मेरी चुनरी छुला ले रे, ओ मेरी चुनरी छुला ले रे, ओ मेरी कुर्ती गुलाबी रे, मेरी शहरों में अलग पछाने मैं छू पहाड़ी रे, मेरी शहरों में अलग पछाने। प्याज भुन चुकी है। अब इसमें कुटे हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर 1 मिनट मध्यम आंच पर भून लेते हैं। मैं छू पहाड़ी रे, गल गल बंदा छजी नख में न थूली, गल गल बंदा छजी नख में न थूली, चम चम चमे की रे माथे की बिंदुली, चम चम चमे की रे माथे की बिंदुली, ओ मेरी हिरनी सी चाले रे। अब इसमें आधा टीस्पून पिसा जीरा, 1/4 टीस्पून पिसी हल्दी, 1 टीस्पून वैकल्पिक कश्मीरी मिर्च का चूर्ण और आधा टीस्पून पिसी धनिया सम्मिलित करते हैं। नमक हम दाल में पहले ही सम्मिलित कर चुके हैं। सबको मिलाकर 1 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। मेरी हिरनी सी चाले रे, मेरी शहरों में अलग पछाने मैं छू पहाड़ी रे, ओ मेरी चुनरी छुला ले रे, ओ मेरी कुर्ती गुलाबी रे, मेरी शहरों में अलग पछाने मैं छू पहाड़ी रे। तदुपरांत पकी हुई दाल में से 2 से 3 करछी सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज तथा मसालों के साथ मिला देते हैं। फिर इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। ऐसा करने से दाल का यह हिस्सा अत्यधिक भुन जाता है और मसालों का कच्चापन भी समाप्त हो जाता है, जो कि स्वाद में वृद्धि करता है। आप यह दाल पकाने हेतु
हो सके तो लोहे की कढ़ाई का ही प्रयोग करें, क्योंकि इससे दाल में स्वाद के साथ साथ लोहे की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अब शेष दाल भी कढ़ाई में सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छी तरह मिलाते हैं। पुनः इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। हमारी गहत की दाल पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार गहत की दाल इस विधि से पकाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। ओम सेना भवतु सेनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। चलिए चावलों के साथ इसे चख कर देखते हैं। जिंस पंत पेरी रोने अटकल सहरो मा, जिंस पंत पेरी रोने अटकल सहरो मा, मैं पहाड़ चली रो छो लहंगा फैसेना, मैं पहाड़ चली रो छो लहंगा फैसेना। उमत पेरे नू साड़ी रे, उमत पेरे नू साड़ी रे, मेरी सहरों में अलग पछाना, मैं छू पहाड़ी रे, मेरी सहरों में अलग पछाना, मैं छू पहाड़ी रे। पहाड़ बेकदू होली सहरों की दूरी, पहाड़ बेकदू होली सहरों की दूरी, दिराटक कारण पड़ी ऐसी मजबूरी, दिराटक कारण पड़ी ऐसी मजबूरी। ओ अब पहाड़ों में रोना रे, ओ अब पहाड़ों में रोना रे, मेरी सहरों में अलग पछाना, मैं छू पहाड़ी रे।